हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर और पेपर टू के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आइए, इस वीडियो में हम देखेंगे मीडियन यानी कि माध्यिका की गणना कैसे की जाती है एक साधारण से प्रश्न के साथ। तो ये आपका प्रश्न दिया गया है जहाँ ऊपर क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल और नीचे आपकी फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी गई है। इस प्रश्न संख्या का हमें माध्यिका यानी कि मीडियन कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दिए गए प्रश्न को हम ऐसे सीरियल वाइज लिख लेंगे, कुछ इस प्रकार से हमने यूं लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का हल करना शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे एक कॉलम जो कि आपके प्रश्न में दिया था सी आई, दूसरा एफ फ्रिक्वेंसी, ये आपके प्रश्न में दिया था। एक अतिरिक्त कॉलम यहाँ पर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सी एफ। अब ये क्या है, आप इसको और इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले 14 के सामने 14, 14 के सामने आपने 14 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 14 के सामने आप 20 को प्लस कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे। इस 14 में आप 20 को प्लस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 34 आपने यहाँ लिख दिया। अब 34 में आप 42 को, सॉरी 34 में आप 42 को प्लस करेंगे तो यह वैल्यू कितनी आएगी, 76 आपने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट 76 में 56 को प्लस करेंगे, जो वैल्यू आएगी आप नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार से जो भी प्लस करें, ऐसे क्रॉस में प्लस करना है, ठीक है, आपको सामने से प्लस नहीं करना है। ये 14 प्लस 14 नहीं करना है आपको, ये 14 प्लस 14 नहीं, आपको क्रॉस में प्लस करना है। समझ में आ गई, 14 प्लस 20 ऐसे क्रॉस में आप प्लस करते जाएंगे और उसके नीचे लिखते जाएंगे और सबसे लास्ट में आपकी जो वैल्यू आएगी इसको प्लस करने के बाद वो आप सबसे नीचे ऐसे लिख देंगे। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे 200 आई है, ठीक है, 200। ये जो वैल्यू होगी ना, यह वैल्यू इन सब के योगफल के बराबर होगी, इन सब के सम के बराबर होगी, क्योंकि आप इनडायरेक्टली वही कर रहे हैं, इनको आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो ये 200 आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, एन बाई टू, आपकी ये जो 200 वैल्यू आई है इसका 2 से आप डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, आपकी वैल्यू आ गई 100, आपको 100 प्राप्त हो गया। बस सवाल में मोस्टली यही ध्यान देना है, मोस्टली ध्यान, अगर आप यहाँ तक कर गए तो समझिए आपका सवाल 50-60% कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, फर्स्ट वाले को एज इट इज़ यहाँ पर सामने उतार देना है, उसके बाद क्रॉस में प्लस करना है और नीचे लिखते जाना है। समझ में आ गई बात। जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी उसे यन कहेंगे और एन बाई टू निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपने देखा एन बाई टू कितना आया, 100 आया। 100 का क्या मायने है, यही 100 पूरा प्रश्न आपका हल करेगा। तो एन बाई टू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एन बाई टू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई दोस्तों, 100। अब आप चेक करेंगे कि आपके इस कॉलम में 100 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है। समझ में आया, इसमें 100 से जस्ट बड़ा, 100 के बाद का तुरंत संख्या कौन सा है, तो देखेंगे 76 100 से छोटा है, 100 से छोटा है। 130 जो संख्या है इस कॉलम में 100 से बाद की संख्या है, 175 तो बहुत बाद की हो गई ना, हम देखेंगे तुरंत बाद की संख्या यानी n बाई टू के तुरंत बाद की संख्या इस कॉलम में कौन है, तो इस कॉलम में यहाँ पे 130 जो है वह 100 के तुरंत बाद की संख्या है, n बाई टू के तुरंत बाद की संख्या है। तो बस यह n बाई टू के बाद तुरंत बाद की संख्या जो होगा वो हमारा मीडियन क्लास हो गया, यानी कि जो हमारा मीडियन निकलेगा ना वो इसी के बीच से निकलेगा, 440 और 450 के बीच में ही निकलेगा। ठीक है, ये हमारा मीडियन निकलेगा। इस मीडियन को निकालेंगे कैसे, हम इस फॉर्मूले से मीडियन को निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, L, L क्या है, L क्या होगा, जो भी हमारा ये क्लास मीडियन क्लास है इसकी लोअर लिमिट 440 हमारी L हो गई। N बाई टू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। C क्या होगा, C हो जाएगा हमारा, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का गैप है। और F क्या होगा, ये F की वैल्यू जो इसके बीच में आती है F हो जाएगी। अब एक सवाल रह गया, M, M क्या है दोस्तों, तो M है हमारा 130 के ऊपर वाला वैल्यू, जो हमारा क्लास इंटरवल है उसके जस्ट ऊपर वाला वैल्यू हमारा M होता है। चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, इस 130 के ऊपर वाले वैल्यू को M कहते हैं। बस हमें ये नोट कर लेना, L नोट कर लिया हमने, L नोट कर लिया 440, N बाई टू हमने 100 निकाला है, M जो है वो 76 है इसके ऊपर वाला, F है 54 और C है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, वो है 10।
हमने लिख दिया। अब बस इसी वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले पर लिख दिया, 400 प्लस 100 माइनस 76 54 इंटू टू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 444। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रश्न निकाल लिया। मैं फिर से रिपीट कर, देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप आसानी से अपनी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने ऊपर वाले को ऐसे ही उतार दिया, फिर आपने क्रॉस एक दूसरे को जोड़ते गए और नीचे लिखते गए। आपकी जो लास्ट की वैल्यू थी या फिर इनका सम वो एन होगा, एन बाई टू आपने निकाल लिया, और एन बाई जो टू आता है वह एन बाई टू के जस्ट बड़ा नंबर, मतलब एन बाई टू को किसने क्रॉस किया तो 130 ने। यहाँ पे एन बाई टू से तुरंत बड़ा नंबर कौन सा है, 130, तो हमारा ये हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है, अब जब हमारा क्लास मीडियन क्लास निकल जाएगा फिर सारा प्रश्न खत्म। हमारा इसका लोअर लिमिट एल हो जाएगा, ये बीच वाला एफ हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला एम हो जाएगा, और सी सी यानी कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूले में रख के हम अपना मीडियन निकाल लेंगे यानी कि माध्य निकाल लेंगे। दोस्तों समझ में आई ये, इसको एक दो बार देख लिए, ठीक है एक बार प्रैक्टिस करिए। मैं आपको ये प्रश्न देता हूँ, इस प्रश्न को सॉल्व करिए, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, एक दो बार देखेंगे इस प्रीवियस वाले इस वाले प्रश्न को तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें आपको क्या करना है, आप एक और बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, 4 को इसमें जोड़ा, यहाँ पे 7 लिख दिया, 5 को इसमें जोड़ा 7 प्लस 5, यहाँ पे आपने 12 लिख दिया, 3 को इसमें जोड़ा यहाँ पे 15 लिख दिया, और 1 को यहाँ पे जोड़ा 16। तो n इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 16। ओके, n इज इक्वल्स टू आपका 16 आ गया, राइट। अब 16 बाई 2 निकाल लीजिए, यानी कि n बाई 2 आपका आ गया 8, राइट, 8 आ गया। तो आप देखेंगे 8 से तुरंत बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो 8 से तुरंत बड़ा आपको यहाँ पे 12 वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, तो आप 12 वैल्यू, तो ये है आपका 8 से तुरंत बड़ा, यानी कि आपका मीडियन क्लास ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये ऊपर वाला 7 आपका M हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में पूछिए, और इसका आंसर मुझे आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बाकी इस प्रकार से आप मीडियन को हल कर सकते हैं, इस प्रकार से आप माध्यिका को हल कर सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या आप कमेंट में पूछिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और हाँ, अगर चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे राय जरूर दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन, अभी प्रेरणा मिलती है और मैं आगे और वीडियोज़ बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।